आज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं भी क्या बिन काम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं भी क्या बिन काम कहता है भाई गंगाराम गंगापुर का गंगाराम गंगाराम जी इस वक्त पुंजानी बहुत तकलीफ में अगर आप मेरी एक फिल्म साइन कर दे तो ये डूबता हुआ पुंजानी तैरने लगेगा थैंक यू वेरी मच अब देखो ये पुंजानी ये लेटर से कितना पैसा कैश कराता है और क्या क्या करता है गंगाराम बंबई में अपना घर मुबारक हो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई अरे अपना वो घर अच्छा था क्यों वहाँ साथ था यहाँ अकेलापन है यहाँ भी आदत पड़ जाएगी जो आगे बढ़ते हैं उनको तो पड़ाव बदलना ही पड़ता है जमा होगा हमारे घर के सामने दिखाओ हमारे गंगाराम के देखे खातिर कितना भीड़ जमा हो गया है हमारे गंगाराम है हमारे गांव के वो ऐसे है ना गंगा कि तुम गांव जा रहे हो तो गांव के लोग खोद खोद के पूछेंगे तुम्हारी भौजी को इसी बात की चिंता है कि कहीं गलती से तुम्हारे मुंह से कुछ निकल उगल गया तो अरे क्या बात कर रहे राम मिलन भैया देखिए जितना आपको अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है उससे ज्यादा कहीं हमको हमारी इज्जत का फिक्र है और ये तो हम कब का भूल भाल गए हैं आप क्या बात कर रहे हैं दो फायदे कौन कौन से पहला ये कि मेरी संस्था के लिए आपकी मिसाल देकर उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को समझाने में आसानी होगी और दूसरा ये कि मेरी इच्छा थी कभी ना कभी आपके ऊपर फिल्म बने लेकिन क्यों ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित हो कि देखो पढ़ लिख कर ही इंसान कितना आगे पहुंच सकता है हेलो मिस्टर गंगाराम जी आई सर नमस्ते जी नमस्ते मैं अभी इंतजार कर रहा था ये लीजिए आपकी स्क्रिप्ट मेरा असिस्टेंट आ रहा है वो आपको पढ़ के सुनाएगा जरा आप डायलॉग याद कर लीजिए जी वो क्या पढ़कर सुनाएगा मैं खुद ही पढ़ लूंगा और खुद ही याद कर लूंगा ये देखिए हम मिट्टी से बने हैं इसी मिट्टी में मिल जाएंगे ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे फिर ये तेरा मेरा क्यों ये घमंड क्यों अरे वाह गंगाराम जी आप तो एकदम फर्राटे के साथ पढ़ सकते हैं अजी पढ़ने नहीं लिखने भी लगा हूँ हाँ आज ही मैंने अपने गांव एक चिट्ठी लिखी है तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत पर मुझे फक्र है कीप इट अप आई एम प्राउड ऑफ यू नमस्ते सर अच्छा मैं चलता हूँ आप डायलॉग याद कर लीजिए मुझे सेट पर जाना है ओके सर ठीक है आओ प्यारे क्या हुआ टिकट का गंगा जी आपका और साधना जी का इंडियन एयरलाइन से टिकट कन्फर्म है और तुम्हारा मेरा क्या मैं तो ट्रेन से आ जाऊंगा क्यों भाई हैं इतने दिन में तुम्हारे साथ रहा ये बर्ताव करूंगा मैं तुम्हारे साथ जाओ तीनों का टिकट एक ही फ्लाइट से लेकिन वो कुछ नहीं अभी जाओ जल्दी ठीक है गंगाराम जी जैसे आपकी इच्छा ठीक है चलता हूँ एक फ्लाइट से करवाना क्यों आज शूटिंग नहीं है क्या हाँ 10 दिन की छुट्टी ले ली है मतलब आप गांव जा रहे हैं हाँ बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर साहब को राजी किया है गांव जाना भी है वहां के लोग बहुत बेचैन हैं मिलने के लिए और आप मैं भी देखते देखते कैसे 2 साल निकल गए बेचैन हो सबसे मिलने के लिए या किसी एक से सबसे और इस एक से भी आपका सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है सोचिए आपके लोग इस बार आपसे मिलेंगे तो कितने खुश होंगे मैं भी यही चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब कुछ अपने लोगों के साथ बांटे साधना जी मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सब आपने ही तो दिया है आपने मुझे वो हथियार दिए हैं जिसकी बदौलत ये लड़ाई में जीत पाया अगर आप मुझे पढ़ाती नहीं तो ये जाहिल गंगाराम कुछ भी ना कर पाता चलिए मान लिया क्योंकि अब आपसे बातों में भी जीतना मुश्किल है आप कब जा रहे हैं कल ही जा रहा हूँ अरे कल ही एक मिनट अरे क्या हुआ मैंने 3-4 दिन से तैयार करके रखा ये लीजिए कुंती को दे दीजिएगा मेरी तरफ से नहीं ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा
इसे अपने हाथों से ही दीजिएगा आप। मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं तो। हाँ आप ही देंगी, क्योंकि आप ही मेरे साथ गंगापुर जा रही हैं। जी हाँ, आपका टिकट बुक करवाने की गुस्ताखी तो मैंने पहले ही कर ली है, ये भरोसा करके कि आप मुझे माफ कर देंगे और मेरी बात भी रख लेंगी। फिकर मत करिए गुरुजी, सब हो जाएगा। अरे कितना बजे पहुंचेंगे भाई जी? अरे 9 बजे को पक्का हवाई अड्डे पे हवाई जहाज पहुंचेगा, और उसके बाद 2 घंटा लगेगा गाड़ी। 2 घंटा का है? गाड़ी तेज चलेगा तो 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। खबर किए थे 10:30 या 11 बजे तक गांव पहुंच जाएंगे। 10:30 पहुंचे या 11 बजे, मुहूर्त का समय निकल रहा है, टाइम का हुआ है बद्री? 10:30 घड़ी ठीक चल रहा है ना? अरे बद्री रेडियो से घड़ी मिला के रखते हैं। अरे क्या करिएगा जानकर पंडित जी, आपको हवाई जहाज नहीं ना पकड़ना है। हवाई जहाज? अरे उससे भी तेज भागने वाले समय को पकड़ना है, पल पल मुहूर्त बदल रहा है। अरे भाई कुछ मोटर वोटर दिख रहा है कि नहीं? बड़का सड़क पे बहुत मोटर आते जाते हैं। अरे भाग गुड़बक, तू वही देखता रह जाएगा, यहाँ गंगा भैया की मोटर आ भी जाएगी। आ गया आ गया। अरे आ गया गंगा भैया, लाओ मारा, लाओ भैया। अरे लाओ, लो लो जल्दी, लो लो भैया जल्दी दो, ले लो। या गंगाराम की जय, गंगाराम की। आइए आइए, गंगाराम की जय, गंगाराम की जय, गंगाराम की जय, गंगाराम की जय, गंगाराम की जय। साधना जी, ये हमारी माई है। नमस्ते, जीते रहो। जानती ये कौन है? कुंती। कुंती, ये है साधना जी, जिनके बारे में पूछा करती थी। प्रणाम। अरे प्रणाम का गले मिलिए। अब प्यारे विशेषण, जाओ जरा सामान उतार कर रख दो हमारी गाड़ी से, जाओ। अरे भाई जी, ये पूरा मुंबई उठा के लाए हो का साथ में? अरे भाई किसके लिए का लाए हैं, ये तो जब भानुमती का पिटारा खोलेगा तब ना पता चलेगा। गंगा, अर्जुन के लिए का लाए हो? अर्जुन के लिए लाए हैं बंबई का टिकट। उसको हम साथ लेकर जाएंगे। तू गवा कहाँ? अर्जुन और रघु दिखा नहीं दे रहा? अरे भैया वो तो अपने वही पुराने ड्रामा का नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो मैंने अब बंबई में गंगापुर का दूसरा हीरा भी चमकेगा। लो हीरा होगा तब ना चमकेगा। चलो चलो आगे बढ़ो। अब चलो चलो हुआ जाके बतियाएंगे, यहाँ क्या खड़े खड़े बतिया रहा है। चलो अरे आप आइए आइए। क्या कर रही थी कुंती? कुछ चीजें बिखरी पड़ी थी, उन्हें समेट रही थी। मुझे तो सब ठीक लग रहा है, शायद तुम्हारे मन में कुछ बिखर गया है, उन्हें वापस लाओ, सब संभल जाएगा। कुछ बातें अपने बस में नहीं होती, उन्हें जितना समेटने की कोशिश करो उतनी बिखरती जाती है। मैं समझती हूँ, आखिर औरत हूँ मैं भी, तो औरत हूँ, इसलिए गंगाराम को तुम्हारे पास लाई हूँ। गंगाराम पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। ये लो तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? ये तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा है, इसे जल्दी से पहन कर दिखाओ दुल्हन बन के। Mm.
अरे अरे आप भी खाइए खाइए खाइए, हम तो रोज ही खाते हैं, आप हमारे इस गांव के मेहमान हैं। अरे अरे हमें मेहमान मत बोलिए, हम भी बिशनपुर के रहने वाले हैं। बिशनपुर के हैं? आप तो हमारे पड़ोसी हैं। अरे 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 रुकिए तो बताइए, एक आप हैं जो परसों पहले बॉम्बे पहुंच गए, एक हम हैं जो अभी तक बॉम्बे जाने को तरस रहे हैं। अरे भाई, बॉम्बे लक्ष्मी की नगरी है, जिसकी तकदीर में लिखी होगी वही पहुंचेगा। जैसे गंगा भाई। हाँ, तकदीर का सिकंदर है वो। अच्छा एक बात बताओ, गंगाराम फिल्म में कैसे घुस गया? अरे हम ही ले गए थे एक्सपोर्ट भाई के पास। लड्डू मंगवाओ, इमरती। अरे नहीं भाई, पेट भर गया। अच्छा फिर कल खाइएगा। ठीक है। हाँ तो प्यारे जी, एक बात बताइए, आपके प्रोड्यूसर से जान पहचान है? क्यों नहीं, हम गंगाराम को फुलवा काका के पास ले गए। फुलवा काका गंगाराम को सीधा प्रोड्यूसर के सामने ले जा खड़ा कर दिया और बोले, गंगाराम नौटंकी के बादशाह हैं, इन्हें फिल्म में काम दीजिएगा। फिर क्या, मेरी बात कैसे टालते, उसी वक्त काम दे दिया। लेकिन एक बात बताता हूँ, कैमरा के सामने खड़े होते ही एकदम घबरा गया, बोलती बंद हो गई होगी। अरे भाई तुम लोग हमेशा उल्टा काहे को सोचते हो। अरे महाराज, देखने वालों की बोलती बंद हो गई थी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी एक्टिंग देख के दंग रह गए थे। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, अरे भाई सब किससे एक ही दिन में सुनोगे, कल के लिए मिठाई नहीं रखोगे क्या? मिठाई खाई नहीं, कल खाएंगे। अरे करने से का नहीं होता, और जब हम करना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ होगा का? अरे इस बात का सच्चाई तो गंगाराम खुद ही साबित कर दिया है। हाँ गंगाराम, तुमने तो वाकई गंगापुर का नाम रोशन कर दिया है, हम लोगों का सर ऊंचा कर दिया है। अरे मुखिया जी, जो आप लोगों ने करवाया वही ना हमने किया। हम सच कहते हैं, जब भी हमारे सामने अंधेरा आ जाता था तो हम आप लोगों की याद कर लेते थे और नए हौसले के साथ फिर मैदान में कूद जाते थे। अरे भाई जी, आपने तो ऐसा अजूबा करके दिखा दिया कि किसी दूसरे के लिए तो करना दूर, अरे विश्वास करना भी मुश्किल है। ये बात है, और हाँ लगता है पढ़ाई पर बहुत मेहनत करना पड़ा। अरे भाई ये करिश्मा तो साधना जी कहा है, एक जाहिल को समझदार बना दिया और ये समझदारी भी दी कि आदमी की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व है। अरे भैया देर आए दुरुस्त आए, हमें बड़ी खुशी है गंगाराम कि तुमने अपनी भूल सुधार ली। सिर्फ भूल ही नहीं सुधारी है मुखिया जी, अब तो हम शिक्षा के प्रचार के हिमायती भी बन गए हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें। शाबाश, देखा अखा चावल है अपना गंगाराम, पकने पर गम गम महकता है। अरे कहाँ से आ रही हो? गांव घूमने गई थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हर घर अपना घर लग रहा है। अरे तुम भी तो गंगापुर वासियों को आपने जैसी लगती हो, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुम गंगाराम की गुरु हो। तुमने सिर्फ अक्षरों में ही गंगाराम की पहचान नहीं कराई बल्कि शिक्षक होने का शौक भी पैदा किया है। तभी ना गंगाराम इतना नाम कमा सका है। हाँ। गंगाराम आपने क्या ढिंढोरा पीट दिया है? इनने कुछ नहीं किया दीदी, वो तो टीवी पर प्रोग्राम आया था ना, उसमें सबने आपका नाम सुना और बस बाकी सब खुद ही समझ गए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों के आने की खुशी में हम लोगों ने एक जश्न रखा है। अच्छा, और जश्न में क्या करेंगे? ये तो जश्न में ही देख लेना। ये अभी नहीं बताएंगे। ये हमारे गांव का मंदिर है, मैंने यहाँ मन्नत मांगी थी कि जब हमारे गंगा जी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे तब हम यहाँ लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू तो चढ़ा लेना, लेकिन बाद में फिर चढ़ाना पड़ेगा। सो काहे, अभी गंगा जी के अरमान कहाँ पूरे हुए हैं? क्यों, इतना सब कुछ तो दे दिया हनुमान जी, अब और क्या चाहिए? हनुमान जी ने तो दे दिया, लेकिन वो एक अरमान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कौन सा? गंगा राम जी आप ही इसे बताइए। आज तो मैं हनुमान जी को साफ साफ कह दूंगा। क्या? कि मेरी चीज मुझे दिलवा दे। बताइए हमारे हनुमान जी कैसे लगे? थोड़े दुखी लग रहे हैं। दुखी क्यों? कह रहे हैं गंगा राम जी बहुत सुस्त है, अपनी चीज मांग कर भी हासिल नहीं कर रहा। अरे इस बार तो अपनी चीज लेकर ही बम्बई जाऊंगा। सच? हे पवन सुत, इनकी मुराद पूरी करें।
पंडित जी जी, यार जून नहीं दिखाई दे रहा है। प्यारे को मोटरसाइकिल पर अपने घर ले गया। ये बड़ा मक्खन लपेट रहा है, सोचता होगा गंगाराम तो मदद करेगा नहीं। अरे प्यारे पक्का उस्ताद है, वो उसके झांसे में नहीं आएगा। अरे भाई कहाँ तक पहुँचे? अरे सब ठीक है मुखिया जी, देखिए ना। सबको खबर कर दिया ना? सबको की है गुरु जी, आप देखना जलसा बड़ी धूमधाम से होगा। होना ही चाहिए। भाई और बहनों, आप लोग शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग शांति से। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का और शुभ दिन है। आज के जलसे में साधना जी ने गंगापुर और गंगापुर के गंगाराम का मान बढ़ाया है। सबसे पहले हम गंगापुर वासियों की तरफ से अपने कलाकार गंगाराम का हृदय से स्वागत करते हैं। तालियां। अब हम हमारे गुरु जी से निवेदन करेंगे कि वो माइक पर आकर अपनी तरफ से कुछ शब्द कहें। आइए गुरु जी। भाइयों, अब बहनों, आप सब तो जानते ही हैं कि गंगापुर के गंगाराम आजकल बंबई की फिल्मी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। गंगाराम अब बहुत बड़ा एक्टर हो गया है। इतना बड़ा एक्टर होकर भी गंगाराम अपने गांव को और गांव वासियों को नहीं भूला। हमको तो नाज है अपने गंगाराम पर। मुखिया जी, अब आप भी कुछ शब्द कहें। हमारे गुरुजी, प्यारे जी, साधना जी और कलाकार गंगाराम जी, और बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, गंगापुर के इतिहास में आज का दिन अमर रहेगा। आपको यह भी मालूम है कि गंगाराम गांव में क्या थे और मुंबई में क्या है। गंगाराम की यात्रा को शुरुआत कराने में और उनको मंजिल तक पहुंचाने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गांव से यात्रा शुरू कराई हमारे गुरुजी महादेव प्रसाद विश्वकर्मा ने, और मुंबई में रास्ता दिखाया साधना जी ने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज साधना जी हमारे बीच मौजूद है। साधना जी, पूरा गंगापुर आपका आभारी है। आपने हमारे गंगाराम को पारस की तरह छूकर सोना बना दिया, और मैं अपने नौटंकी के गुरुजी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने गंगाराम को नौटंकी का बादशाह बनाकर मुंबई का रास्ता दिखाया। विश्वेश्वर। अब मैं साधना जी से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आकर हम गंगापुर वासियों के लिए कुछ संदेश दे। आइए साधना जी। आदरणीय मुखिया जी और भाइयों और बहनों, गंगाराम जी की सफलता की जितनी खुशी आप सबको है, उतनी ही खुशी मुझे भी है। मुखिया जी ने जो मेरी तारीफ की है, वो दरअसल गंगाराम जी की है। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गंगाराम को पढ़ाई शुरू करने के लिए राजी किया है। बड़ी उम्र में सब आप सब भजन पूजन सीख सकते हैं, तो पढ़ना क्यों नहीं सीख सकते? गंगाराम ने सीखा, आगे बढ़े और उसी पढ़ाई के बल पर वो हासिल किया जिन पर आज आप सब लोग को गौरव महसूस हो रहा है। कोई भी गंगाराम बन सकता है अगर उसमें दृढ़ संकल्प हो गंगाराम जैसा। मैं गंगाराम जी को और गंगापुर वासियों को और गंगापुर को प्रणाम करती हूँ। और अब दिलधाम के बैठिए, अब बारिए हमारे चमकते कलाकार गंगाराम जी की। आइए गंगाराम जी, गंगाराम जी आइए आइए। तालियां तालियां। गंगाराम जी की जय।
प्यारे भाइयों बहनों, मुखिया जी, पूज्य गुरु जी, साधना जी और हाँ बद्री विशेषर और जो बच गए हैं वो जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं वो सब लोग, हम यहाँ आज कुछ कहने नहीं करने आए हैं। हमारे पास आज जो भी है, जहां भी हम पहुंचे हैं, वो सब विद्या का चमत्कार है। हम अगर विद्या न होती हमारे पास तो हम कुछ ना कर पाते। विद्या का महत्व हमको आज समझ में आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर अशिक्त जीवन पर विद्या का प्रकाश डालने की कोशिश करूं। आज मैंने एक संकल्प किया है, मैं एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर लाया हूं जो आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। आज के बाद गंगापुर में एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारी कोशिश यह होगी कि छोटा हो या बड़ा, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा। देखा माई, क्या फर्राटे से पढ़ रहे हैं। आज से मैं अपनी कमाई का 60% हिस्सा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च करूंगा। अपने गांव का स्कूल का विकास कर मैं ऐसा बना देना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ गंगापुर के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। और इस महान कार्य के शुभारंभ के लिए मैं 1,00,000 रुपए का चेक मुखिया जी को प्रदान करना चाहता हूं। मुखिया जी ये लीजिए, फीता काट कर स्कूल का उद्घाटन करिए। साधना जी, इस नए स्कूल के उद्घाटन के सही हकदार आप हैं, क्योंकि गंगा को आपने ही सही मार्गदर्शन दिया। इस फीते को काटकर इस गांव को शिक्षा की नई दिशा दें। जैसी आप लोगों की इच्छा, गंगापुर वासियों से इतना अपनापन पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। वाह गंगा, ये काम करके तो तू हमारे छाती और चौड़ी कर दिया है। अरे तो को हमारी उम्र लग जा राजा। गंगा, हम सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि विद्यालय का नेक विचार तुम्हारे मन में कैसे और क्यों आया। हाँ। अपने अनुभव से हम लोगों को अनुगत कराओ। हाँ। दोस्तों, बचपन से मैं अपनी माई के मुंह से सुनता आया हूँ कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, लेकिन इसका अर्थ मुझे बाद में समझ आया जब मैं पढ़ लिख गया। सपूत की चाह सभी को होती है, लेकिन पूत सपूत तभी बनता है जब उसमें सुमति हो, और सुमति आती है शिक्षा से। व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि माँ का दूध। आज मैं जो भी बन पाया हूँ वो सब शिक्षा की वजह से। साधना जी ने जिस दिन मुझे शिक्षा का महत्व समझाया और मुझे समझ आया, मैंने उसी दिन ये संकल्प कर लिया था कि गंगापुर में एक स्कूल बनवाऊंगा ताकि शिक्षा का प्रसाद मैं घर घर में बांट सकूं और उसकी रोशनी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फैल सके। तो आइए हम सब लोग मिलकर संकल्प ले कि शिक्षा ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होगा। शिक्षा से सुमति और जीवन में प्रगति, शिक्षा से सुमति और जीवन में प्रगति, शिक्षा से सुमति जीवन में प्रगति। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। हे एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज। कितने
अपना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई का।